ब्रेकिंग न्यूज बलिया, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कोई भूखे पेट नहीं मरेगा। नीरज सिंह गुड्डू चेयरमैन प्रतिनिधि एवं बसपा प्रदेश महासचिव, सुरेंद्र कुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नीरज सिंह गुड्डू चेयरमैन प्रतिनिधि एवं बसपा प्रदेश महासचिव ने अपने आवास पर मीडिया से बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं रहेगा। मेरा सेवा 24 घंटा खुला है। आज नीरज सिंह गुड्डू द्वारा अनवरत मास्क व 2000 भोजन पैकेट का वितरण बासंडी विधानसभा में बांटे। साथ ही जमात पर बोले कि जमात वालों को भगना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टॉप न्यूज। मैं नीरज सिंह गुड्डू, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चेयरमैन प्रतिनिधि सातवार। ये हम आपसे जानना चाहते हैं, लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने वाली, क्या ये बढ़ना चाहिए, खत्म होना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन ही एक सबसे अच्छी व्यवस्था है जिससे कि इस कोरोना जैसे महामारी को रोका जा सकता है। और शासन का जो भी मंशा होगा, जैसे भी यहाँ के जो मुखिया हैं माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो लोग हर चीज़ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को उचित लगेगा बढ़ाना तो बढ़ाएंगे, और बढ़ेगा भी तो इसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और लॉकडाउन अगर उचित लगे कि बढ़ाना है तो बढ़ना चाहिए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, प्रलाकन बढ़ता है, आपके द्वारा क्या ऐसा पहल होगी गरीब जनता के? हम तो लॉकडाउन बढ़ेगा तब भी, मैं कहा हूँ, मैं उस दिन आप लोग आए थे, मैं इंटरव्यू भी दिया था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गरीबों का भोजन, मास्क, सैनिटाइज, जो भी हमारी पूरी ताकत होगी उस ताकत के साथ लॉकडाउन जितने दिन रहेगा उतने दिन सारी व्यवस्था मेरे तरफ से हो रही है जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक व्यवस्था होती रहेगी, उसमें कोई कटौती नहीं आएगी। हम आपकी जानना चाहते हैं, अचानक जमात में जो घटना घटी उसके लिए देश में खलबली मच गई, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इन लोगों को सामने आना चाहिए, सामने आकर के ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि हाँ भाई हमारे यहाँ है, तो उस चीज़ के लिए सबको सामने आना चाहिए। और अगर ये जो सामने नहीं आ रहे हैं ये बेवकूफाना है, और चंद लोगों के वजह से पूरा देश इस महामारी के संकट में चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में कंट्रोल है, और ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और हर व्यक्ति को ये चाहिए इस पर जिम्मेदारी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि हमारे वजह से किसी को परेशानी ना हो। मरकज के लोग आज जो ये घिनौना काम कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, इस घिनौना काम के वजह से उनकी समाज में स्थिति बहुत खराब हो रही है, और आने वाले दिनों में कोरोना जैसे महामारी तो यहाँ से हिंदुस्तान से भागेगी ही, और हिंदुस्तानी जीतेंगे ही, लेकिन निश्चित तौर पर ये मरकज के लोग अगर नहीं सुधार किए तो समाज में भी रहने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी समाज में रहने वाला व्यक्ति इनके करीब नहीं जाएगा और इनसे किसी बात का ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि जो समाज का नहीं हो सकता है, जो लोगों की चिंता नहीं कर सकता, जिसके साथ वो व्यक्ति अपने मोहल्ले में अपने घर में रहा हुआ है, वो व्यक्ति फिर आ करके अपने मोहल्ले में अपनी पहचान छुपा करके और पूरे मोहल्ले के लोगों को परेशान कर दे, पूरे समाज के लोगों में प्रसाद की तरह से कोरोना बांट दे, तो फिर कल आने वाले दिनों में कोई विश्वास नहीं करेगा, और इस वजह से निश्चित तौर पे उनकी समाज से कटअप होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी, 5 अप्रैल को रात को 9 बजे दिया बत्ती जलाकर सारे 1,30,00,000 जनसंख्या ने जलाया पूरा, परंतु विपक्ष का ये आरोप है कांग्रेस का
भारतीय जनता पार्टी का 40वां वर्षगांठ मनाया गया और इस पर राजनीति चल चल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, शायद जून का तो दूसरे दिन था, भाजपा के लोगों का वर्षगांठ जो है वो 6 अप्रैल को था, 6 अप्रैल को था और ये कार्यक्रम 5 अप्रैल को हुआ है। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि एकजुटता दिखाने के लिए अगर दिया जलाइए और लाइट जलाइए तो इसमें बुराई क्या है? देश के लोग एकजुटता होने के लिए निश्चित तौर पर ये एक आत्मबल देता है। मैं भी जलाया, पूरे परिवार के साथ दिया जलाया, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहा है तो उस बात को हर आदमी को मानना चाहिए। और इससे निश्चित तौर पे दिया से लाइट से कोरोना भगने का नहीं है, वो कोरोना दिया और लाइट से नहीं भगेगा, लेकिन ये दिया जब पूरे हिंदुस्तान में जल रहा था तो निश्चित तौर पे लोगों में आत्मबल दिखाई दे रहा था। और ये तो चरितार्थ है, जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनी थी, बुराइयों का नाश करके जब वो लौटे थे तो दिवाली मनी थी। तो ये मान के चला जाए कि दिया जलाए हम लोग कि कोरोना यहाँ से जल्द भगे, तो ये एकजुटता के लिए, अपने आप में आत्मबल के लिए कि हम पूरे हिंदुस्तानी पूरे देश में एक हैं, इस वजह से दिया जलाने का है, न कि दिया से कोरोना भगेगा। और इसमें इस परिस्थिति में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से कोरोना कैसे भगेगा, हम सारे लोगों को सोचना चाहिए। और इसका एक ही उपाय है कि हम अपने घर में रहें। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा उपाय है, सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करिए, उसके बाद अपने परिवार को सुरक्षित करिए, फिर समाज को सुरक्षित करिए। तो इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप अपने घरों में लॉक रहिए, घर में लॉक रहेंगे तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। हमारी एक जान, एक गलती की वजह से पूरा परिवार नुकसान पहुंचे, पूरा समाज को नुकसान पहुंचे, तो समाज से भी बहिष्कार, परिवार से भी बहिष्कार। तो इससे अच्छा है कि भाई लॉकडाउन का आनंद भी लें अपने घर में अपने परिवार के साथ, और अपने आप को लॉकडाउन में रखें, और निश्चित तौर पर घर में रहेंगे तो कोरोना भगेगा। और आज के परिवेश में तो ये दिखाई दे रहा है, ये जमाती वाला अगर मामला नहीं आया होता तो निश्चित तौर पर भारत ये कंट्रोल कर चुका था, ये भी कंट्रोल होगा। और दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से पूरा विश्व परेशान है, भारत लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के आदेश का और अनुरोध का पालन करते हुए पूरे हिंदुस्तान में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए और अपने आप को लॉकडाउन करके अपने परिवार में रखने का काम कर रहा है। इससे दो चीज हो रहा है, आप इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में कभी इस तरह से अपने परिवार में नहीं रहे होंगे, पूरे परिवार एक साथ रह रहे हैं। और दूसरी चीज कि आप समाज में भी अपना एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम तो लॉकडाउन है, अपने परिवार के साथ हैं, हम समाज के विश्वास के साथ हैं, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में अगर 3 महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ता है या 1 महीने के लिए, तो आप अपने क्षेत्र में किसी को भूखा, आप क्षेत्र की बात करते हैं, मैं तो पहले भी कहा था कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है अनवरत, हमारे क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहेगा, भोजन हर समय हर जगह पहुंचेगा, हर जगह जहां जरूरत पड़ती है दोनों टाइम भोजन पहुंचता है। रात को 10 बजे तक कहीं से भी फोन आता है तो भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। अभी अनवरत पिछली बार आए थे, अनवरत लोग कोई मिर्जापुर से आ रहा है, कोई बनारस भदोही से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, पैदल डेली 40 से 50 लोग, कभी 10 बजे रात को, कभी 9 बजे रात को, कभी 11 बजे रात को स्टेशन से क्रॉस करते हैं। स्टेशन पे मैं रहता हूँ तब भी, नहीं रहता हूँ तो मेरे परिवार के लोग खाना बनवा करके ले जा करके उनको खिलाने का काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उनको भोजन कराया जाता है। रास्ते के लिए भी उनको लंच पैकेट दिया जाता है कि भाई आप रास्ते में जा रहा खाना खा लेना। तो हमारे नगर में, हमारे विधानसभा में और बाहर से भी कोई आया हुआ व्यक्ति, हमारी पूरी कोशिश है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक कोई भूखा ना रहे, और लॉकडाउन ही नहीं जब तक मेरी ताकत रहेगी, कोई मेरे नज़र में अगर कोई भूखा होगा
तो मेरा सरोवर तो निछावर है और उस भूखे को यहाँ भूखा नहीं रह जाएगा पूरे विधानसभा में। का जो कान घटा उसको लेकर प्रमुखता से सारे चैनल दिखाए, परंतु कुछ जो प्रमुख लोग हैं उनका ये टिप्पणी है ये गलत है और गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, इस पर आपको क्या राय है? तो गलत, अगर गलत तरीके से चैनल के लोग दिखा रहे हैं तो जमात के लोग हैं वो सामने आए, वो कहे कि मैं ये नहीं किया हूँ और सारे लोग अपना टेस्ट कराए। टेस्ट कराने में क्या दिक्कत है? मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर यहाँ टेस्टिंग कर रहे थे, मैं तो डॉक्टर साहब को बुला करके कहा कि भाई आप हमारा चेकिंग करिए, हम अपने पूरे परिवार का चेकिंग कराए डॉक्टर साहब से बुला करके, इसमें हर्ज क्या है? अगर इसमें ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं हो सकता है कि मीडिया के लोग कुछ तो उम्र के भी कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी कहते हो, तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं जब आप ऐसा काम कर रहे हैं तभी ना, हमारे लिए क्यों नहीं कोई कह रहा है, आपके लिए क्यों कोई क्यों नहीं कह रहा है, क्यों आप उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है और दिखाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। भाई आप जमाती जो लोग थे अगर वो निकले वहाँ से निकाले गए, मस्जिद से निकाले गए, जमात से निकाले गए, तो उसके बाद जो जहाँ जाना था पहले अपना चेकिंग करा के अपने गाँव में जाते। एक दिन न्याज में देख रहे थे कि हॉस्पिटल की खिड़की तोड़ के भाग गए, एक दिन आ रहा था कि नर्स स्टाफ के सामने बदतमीजी कर रहे हो, एक दिन आ रहा था कि आप बिरयानी मांग रहे हो। तो इससे वो जाहिल गंवार छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन जाहिल गंवारों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार का नुकसान होगा, पहले हमारे परिवार का नुकसान होगा तब समाज का नुकसान होगा। तो इसलिए अपने परिवार को बचाओ, अपने को बचाओ और तुरंत जो जहाँ भी हो आप बताओ ना, आप कहीं भी कैद खाने में नहीं रहना है, वहाँ व्यवस्था है, आप बताओ कि मैं मरकज से आया हुआ हूँ, आपकी जांच हो जाएगी, होंगे तो आप वहाँ क्वारंटाइन होंगे, नहीं होंगे तो आप अपने घर में रहेंगे, इसमें दिक्कत क्या है?